हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असम और मेघालय का जो पेपर था दिसंबर 2019 का, उसके फिजिकल केमिस्ट्री की पार्ट सी को। तो आप लोगों का स्वागत है इस क्वेश्चन आंसर लेक्चर सीरीज में। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अ पॉली एस्टरीफिकेशन रिएक्शन इज स्टॉप After 50% of monomer are consumed, the number average degree of polymerization of the resulting polymer. तो देखिए, जो degree of polymerization है, इसका जो formula होता है, ये होता है 1/(1-P)। यहाँ पर P आपका जो है, ये number of monomer consumed, कितना monomer consumed हुआ है, तो इसने दिया है आपको 50%। 50% तो इसको अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो ये 0.5 आएगा डेसिमल में। तो अगर आप इसको निकालोगे तो 1/(1-0.5) तो ये आएगा 1/0.5, तो ये यहाँ पर 2 आएगा, राइट। तो एक तो मेथड ये है, आप यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरा इसका सिंपलेस्ट मेथड ये है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब कि आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था पॉलीमर का, मतलब मोनोमर का, उसके बाद आफ्टर टाइम टी पर इसका कंसंट्रेशन कितना है एट ए टाइम टी पर। तो आप देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 100% रहा होगा, ठीक है, और अभी करंट में कितना है, 50% कंज्यूम हो गया। मतलब अगर ए से अगर पी जा रहा है तो इनिशियली 100% था और ये 0 था, और अभी ये 50% कंज्यूम हुआ, मतलब ये 50% बचा हुआ है। तो आप ए टी कितना होगा, 50 होगा, तो ये डिवाइड कर देंगे तो ये भी यहां से 2 आएगा। तो आपको दोनों मेथड है, दोनों से आप जो भी दिया रहेगा वहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 होगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द डेप्थ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वेल ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स। द मॉलिक्यूल हैज 4 नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, (ν1, (ν2, (ν3) एंड (ν4). द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और सिंपल, आपको एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपको नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी का अगर कर्व पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से ये कर्व होता है, राइट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का वेल है, मतलब डेप्थ है, डेप्थ मतलब पूरा जीरो से, हाँ, ये जीरो से दिया है आपको 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। और बोल रहा है कि द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज 18,000। तो डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है, ये ग्राउंड जो पोटेंशियल एनर्जी होता, सॉरी, जो एनर्जी होता है एट जीरो लेवल, मतलब जीरो पॉइंट एनर्जी, वहां से ये जो लेवल होता है यहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन का, वहां तक होता है, ठीक है। तो ये आपको दिया है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहां पर आपको (ν1, (ν2, (ν3) और (ν4) आपको वाइब्रेशन दिए गए हैं, क्लियर है। तो अब पूछ रहा है कि आपका जो डिसोसिएशन होगा वो कौन से नॉर्मल मोड के अलोंग होगा, ठीक है, मतलब कहां से होगा, बस इतनी चीज आपको पूछी गई है। तो आप सबसे पहले देखो, यहां से टोटल जो डेप्थ दिया है उसमें से अगर आप डिसोसिएशन एनर्जी के पार्ट को घटा दोगे, जो आपको एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगा, जीरो पॉइंट एनर्जी, क्लियर है। मतलब जो जीरो लेवल की एनर्जी होगी, जो नॉर्मल एन हार्मोनिक का ऑक्सीलेटर की एनर्जी होती है वो (n+1/2H)(ν) होता है, राइट। अब एन की वैल्यू जीरो होगा तो उस केस में जीरो एनर्जी जो होगा, जीरो पॉइंट एनर्जी, वो होगा (½H)(ν), राइट। और अगर ये आप देखा जाए तो जो यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमको जीरो पॉइंट एनर्जी ही देगा। तो 20,000 - 80,000, मतलब ये 2,000 होगा, ठीक है। और ये आपका जो है ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, ठीक। तो सबसे पहले आप इस जीरो पॉइंट एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो न्यू है तो न्यू को आप लिख सकते हो C/λ, तो मतलब HC/λ (2). तो अगर आप HC से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में होगा एनर्जी। तो आपका जो एनर्जी है सेंटीमीटर इनवर्स में होगा
टू टाइम्स इंटू ई जीरो, और ई जीरो आपका कितना आया है 20,000 राइट। तो 2000 मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो ये आएगा 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो एनर्जी आई है ये वेव नंबर के टर्म में आया है। तो आप देखो ये कौन से वाइब्रेशन के अलोंग होगा, आपका न्यू फोर करेक्ट है, तो ये आपका फोर्थ के अलोंग होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड ऑफ पिरिडीन दैट विल नॉट शो आईआर एक्टिविटी। तो पहले आपको जानना होगा कि पिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ कितने एटम है पहले ये देखना होगा आपको। तो आप एक बार काउंट कर लो नंबर कितने हैं, तो यहां पर 6 आपके जो है टोटल रिंग के हो गए, मतलब 5 कार्बन 1 नाइट्रोजन और 5 आपके हाइड्रोजन हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ जो एटम हो गए वो कितने हो गए 11 ठीक है। अब देखिए तो ये क्वेश्चन आप देखो कोई भी आपका इजी ट्रिक नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा कि आईआर एक्टिव मोड निकालने होंगे टोटल की, यहां पर टोटल आईआर एक्टिव मोड कितने होंगे ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा ये आपको पहले कैलकुलेट करना होगा ठीक। उसके बाद आप वहां से देखोगे कि उसमें से देखिए आप तो एक यहां से डायरेक्टली है कि पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल देकर के आप बता सकते हो कि जहां पर एक्स वाई और जेड इन्वॉल्व है वो मॉलिक्यूल क्या होगा कि उनके चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब वो आईआर एक्टिव होंगे। तो यहां से तो आप देख करके बता सकते हैं कि A1 मोड और B1 मोड और B2 मोड जो है आईआर एक्टिव होगा ठीक है, और A2 जो है यहां पर आईआर एक्टिव नहीं होगा। लेकिन ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स A2 होगा जो कि आईआर एक्टिव नहीं देगा वो आपको कैलकुलेट करना है, यहां पर वो चीज पूछा गया है। क्लियर है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करना होगा कि यहां पर नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकालना होगा, मतलब नंबर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकालना होगा। तो डिफरेंट ऑपरेशन है आपके पास, देखो जब आप पहले ई करोगे C2 करोगे सिग्मा वी एक्स जेड और सिग्मा वी वाई जेड। तो ऑपरेशन जब आइडेंटिकल है देखिए यहां पर तो कोई भी एटम चेंज नहीं होगा, सारे एटम अनशिफ्टेड होंगे, मतलब 11 होगा ये ठीक। C2 आप लगाओगे तो C2 कौन से एक्सिस के अलोंग लगाओगे, ये होगा ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन तीनों अनशिफ्टेड हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम 3 सिग्मा वी एक्स जेड। तो अगर आप ये जो है मॉलिक्यूलर प्लेन अगर आप वाई जेड ले रहे हो हाँ, तो ऊपर अगर एक्स होगा आपका तो मैं मान रहा हूं कि ये प्लेन जा रहा है एक्स जेड, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने होंगे, ऊपर से अगर आप डाल रहे हो तो हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन तीन ही होगा ठीक है, और वाई जेड ले रहे हो तो कोई भी नंबर ऑफ एटम शिफ्ट नहीं करेगा तो टोटल नंबर 11 हो गए। अब इनका जो कोफिशियंट होता है ठीक है, जैसे तो यहां पे सबसे पहले इसके कैरेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, जैसे आइडेंटिटी का जो कैरेक्टर होता है वो 3 होता है, तो यहां पे आप 3 मल्टीप्लाई करोगे ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 33। और यहां पर C2 क्या होता है -1, तो यहां -1 से करोगे तो ये -3 होगा, और ये सिग्मा भी 1 होता है ठीक है तो ये 3 होगा, ऐसे ही आप सिग्मा भी वाई जेड ये भी 1 होता है तो ये 11 होगा। तो ये आपका जो है टोटल मिल गए आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ठीक। अब हमको पता है कि हम कोई भी अगर हमको टोटल नंबर ऑफ A1 निकालना है कि इस सिस्टम में कितना है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/ पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप कितना होगा 4 है ऑर्डर ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिल गए 33 इंटू कितना होगा कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू A1 इंटू कोफिशियंट ऑफ ऑपरेशन ठीक है, तो ई तो यहां पर 1 होगा दोनों ही प्लस। अब देखो -3 होगा इंटू यहां पर C2 क्या होगा A1 के करेस्पॉन्डिंग 1 होगा और उसका कोफिशियंट तो 1 ही है तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, प्लस यहां पर 3 होगा ठीक है करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर 1 होगा A1 के, प्लस यहां पर 11 होगा ठीक है। तो आप देखो यहां पर -3 यहां +3 कैंसिल होगा, 13 3 प्लस 11 44 होगा,
तो ये कितना आएगा, 11 आएगा। तो A1 आ गया आपका 11। ऐसे ही आप जब B1 निकालोगे तो B1 कितना आ जाएगा, 1/4। अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 33 B1 का कोफिशियंट आप देखते जाओ, 1 ही है, प्लस -3 × -1 प्लस कितना है, 1 × 3 प्लस 11 × -1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 33 + 3, यहाँ +3, यहाँ -11, तो टोटल हो गया 6, और ये हो गया 39 - 11, तो ये आपका बचा 28। ठीक है, तो 28 / 4, तो ये आया 7। ठीक है, उसके बाद आप B2 निकाल लो, B2 आप निकाल लोगे 1/4, करेक्टर देखते जाना आप। ठीक है, 33 × 1 - 3 × -1 प्लस 3 × -1 प्लस 1 × 11, तो कितना आ गया आपका बताओ, -3 - 3, ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और यहाँ -3 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 33 + 11 मतलब 44 / 4, तो ये हो गया 11। ठीक है, ऐसे ही आप A2 निकाल लो, तो A2 कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 33। अब देखना A2 का करेक्टर 1 होगा, प्लस माइनस होगा यहाँ पर 3 - 3 इंटू कितना होगा A2 का, प्लस है, फिर उसके बाद होगा 3 × -1। ठीक है, -1 है ये, प्लस कितना है, 11 × -1। तो ये देखो -11, ये हुआ -3, ये हुआ -3, तो टोटल कितना आया, 16 / 4, तो ये आया आपका 4। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ, मुझे क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, 3n मिल गया। ठीक, तो आप देखो 33 टोटल नंबर ऑफ मोड मिल गए। अब इसमें से आप एक मिनट, तो यहां पे देखिए आपका जो है टोटल नंबर ऑफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो ये कितना आया आपका, 11 a1 प्लस 4 a2 प्लस 7 b1 प्लस 11 b2। ठीक है, अब इसमें से देखिए आप कितने जो है रोटेशनल है और कितने ट्रांसलेशनल है, तो x, z, x और y, ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और रोटेशनल में कौन सा होगा, A2, B1 और B2। तो ये 6 मोड आप तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां से, तो ये कौन कौन सा होगा, A1 प्लस A2 प्लस, अगर आप 2B1 प्लस 2B2, ये होगा। ठीक है, तो टोटल 6 हो गए, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिल जाएगा, जो कि आएगा आपका कितना, 10A1 प्लस 3A2 प्लस कितना होगा, 5B1 प्लस 9B2। अब देखिए यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो A2 मोड है इसमें कोई भी IR एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई भी XYZ का कंपोनेंट है ही नहीं, तो मतलब डाइपोल मोमेंट चेंज होने का यहां पर कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो इसलिए जो यहां पर 3A2 मोड है, ये IR एक्टिविटी नहीं शो करेंगे। ठीक है, ये नहीं शो करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप कहेंगे कि सर मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक भी निकाल सकता हूं, कि यहां पर डायरेक्ट मैं A2 का वैल्यू निकाल लेता, तो आप इतना मेहनत क्यों किए यहां पर। तो अगर आप डायरेक्ट A2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे, तो उसमें दोनों आपका वो जो देगा वो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा, वो वाइब्रेशनली जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो नहीं देगा। ठीक है, उसमें ट्रांसलेशनल भी मींस रोटेशनल होगा प्लस वाइब्रेशन होगा, तो इसीलिए यहां पर ओनली वाइब्रेशन पूछा हुआ है IR एक्टिविटी के लिए, तो इसलिए यहां से आपको देखना होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंड होगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए कि A प्लस B K1 रेट से C बना रहा है, जबकि C से बैक जो जा रहा है वो K इनवर्स जा रहा है, और C से D बना रहा है। तो ये दिया है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो A से B में जाने का है वो 120 किलो जूल है, जबकि C से जो A और B में जाएगा उसका 240 है,
और सी से डी में जो जाएगा वो 80 किलो जूल मोल इनवर्स है। बोल रहा है कि द ओवरऑल रेट कांस्टेंट के की वैल्यू जो है वो के वन के टू अपॉन के इनवर्स है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो अगर हम सिंपल बात करें आर्हेनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो इसके केस में अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है हमारा कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल होते हैं, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बैरियर क्रॉस करना रहता है वो ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, मतलब कि उसके ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है कि देखिए जब ए से बी में जा रहा है, ठीक है, ये मैं अभी इन जनरल बता रहा हूँ कि आपका कोई मॉलिक्यूल है ए और बी और ये आपका प्रोडक्ट में जा रहा है, यहाँ पर मान लीजिए सी में जा रहा है, सी जाने के लिए जो है वो 120 किलो जूल आपका एनर्जी लग रहा है, जबकि रिवर्स आने में एनर्जी आपका लग रहा है 240 किलो जूल, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो जो मतलब सी से डी में जाने के लिए है वो है आपका 80 किलो जूल, ठीक है। सी से डी में सपोज यहां पर है डी, ठीक, तो ये जो है 80 किलो जूल लग रहा है आपका 80 किलो जूल। तो अब देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सबसे ज्यादा किस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किस में है, 240 किलो जूल में, ठीक। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को ज्यादा क्रॉस करेंगे इसमें मॉलिक्यूल, हाँ। तो यहां मतलब ये है कि सी से ए बी की तरफ ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाएंगे, ठीक है, सी से ए बी की तरफ ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाएंगे, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ जो फॉर्मेशन होगा डी का वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये तो हो गया कि आपने ये लॉजिक से समझ लिया। अब यहां पर आप ये है कि के की वैल्यू आप ओवरऑल रेट कांस्टेंट आपको दिया है, अब के वन के की जगह आप यही पुट कर दो, जैसे के वन की जगह आप पुट कर दोगे तो ए ई टू द पावर माइनस ए वन बाई आर टी, ठीक है। ऐसी के टू की जगह आप पुट कर दो ए ई टू द पावर माइनस ई टू बाई आर टी, ठीक है, और के इनवर्स की जगह पुट कर दो, फिर साला वैल्यू रख दो आप ए वन ए टू और ए इनवर्स की, देन आपको जो एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस नहीं मिलता है ये प्लस मिलता है और ये 40 आता है, ये आप अगर कैलकुलेट करोगे यहां पर, ठीक है, वैल्यू रख करके आप सॉल्व कर दो सिंपली, तो ये 40 अपॉन में आर टी आएगा, ठीक। तो अब देखो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बैरियर को क्रॉस करेंगे, और कौन से बैरियर को क्रॉस करेंगे ये, ठीक है, सी से ए बी की तरफ। तो इसलिए क्या होगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो डी का है वो डिक्रीज कर जाएगा और आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन द, देखिए यहां पर पहले आपको समझना है कि फेज ट्रांजिशन जो है फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। नॉर्मल जो फेज ट्रांजिशन होता है कि जैसे वाटर है हमारा, तो वाटर तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड वाटर, लिक्विड वाटर और गैस वाटर, ठीक है। तो इन तीनों प्रोसेस में क्या होता है कि आपका देखिए फेज जब चेंज होता है तो जो गिब्स फ्री एनर्जी जी है ये कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है। ऐसे ही केमिकल पोटेंशियल म्यू जो है वो कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि जी बाई एन केमिकल पोटेंशियल म्यू होता है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन होता है उसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है डी म्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है, ये जीरो नहीं, कंटिन्यूअस नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये डी म्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन, ठीक है। तो ये जो है मतलब आपका बेसिक जो है करेक्टराइजेशन है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का, कि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है केमिकल पोटेंशियल का वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा गया आपसे कि देखिए हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट
एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो देखिए हम जानते हैं कि जो है डी जी इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है। अगर आप इसको n से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये केमिकल पोटेंशियल के टर्म में मिल जाएगा। तो डी म्यू इज इक्वल टू वी म्यू इंटू डी पी माइनस एस एम इंटू डी टी मिलेगा, ठीक है। अब म्यू अगर डी म्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी अगर आप निकाल रहे हो तो क्या मिलेगा, माइनस एस एम मिलेगा ना, ठीक है। तो अब फेज ट्रांजिशन हो रहा है, सपोज अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो इसका एंट्रोपी चेंज होगा, ठीक है। मतलब एंट्रोपी लिक्विड का अलग होगा, सॉलिड का अलग होगा, मतलब ये इक्वल नहीं होगा, मतलब डेल्टा एस जो है चेंज इन एंट्रोपी जीरो नहीं होगा, मतलब वो कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए कि जो डेल्टा एस होता है, डेल्टा एस क्या होता है, ये होता है डी एच बाई टी होता है, ठीक है। डी एच इक्वल टू क्या होता है, मीन्स अगर सीपी की वैल्यू आप देखो तो डी एच सीपी इक्वल टू क्या होता है, डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी होता है। तो आप सिंपल यहां डी एच रख सकते हो सीपी डी टी, ठीक है, सीपी डी टी रख सकते हो, और ये डी एस आप यहां पर रख दो फॉर्मूला यहां पर, तो ये माइनस सीपी डी टी बाई टी आएगा। तो अगर यहां से आप देखो कि हीट कैपेसिटी जो सीपी है, ठीक है, तो अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर मिल रहा है, मतलब वहां पर टी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो डेल्टा टी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और डेल्टा टी अगर जीरो होगा तो सीपी की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो फेज ट्रांजिशन होता है उसमें जो हीट कैपेसिटी होता है ये आपका इनफाइनाइट होता है एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो हीट कैपेसिटी इज कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर, नहीं ये नहीं सही है, ठीक है, क्योंकि आपका डी म्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी वही डिसकंटिन्यूअस हो गया तो सीपी भी डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द इनर्जी ऑफ एन आइसोटोपिक थ्री डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज इक्वल टू 5/2 h/nu, द वेव फंक्शन एंड द डिजेनरेसी ऑफ द स्टेट इज गिवन बाई दिस। हाँ, तो अब यहां पर देखिए आपका जो सिंपल थ्री डायमेंशनल अगर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है तो उसकी जो इनर्जी होती है एक्स वाई जेड की, वो एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 h/nu होता है, ठीक है। तो आप ये देखो कि इसका वैल्यू यहां पर टोटल क्या है, 1 है, तभी तो है ना 1 + 3/2 (2 × 2 + 3) 5/2 आएगा। तो मतलब nx प्लस ny प्लस nz इज इक्वल टू 1 आया, ठीक। तो अगर nx की वैल्यू आप 1 लोगे तो ny और nz जो होगा ये 0 होगा, तो इसका 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 या 0 0 1 हो सकता है। तो ये डिजेनरेसी इसका 3 होगा, क्लियर है। तो इसका जो डिजेनरेसी होगा वो 3 होगा। अब बात करते हैं हम वेव फंक्शन का, तो इसमें हमारा या तो सेकेंड ऑप्शन हो सकता है या फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए जो वेव फंक्शन होता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का थ्री डायमेंशनल का, तो वो होता है एच यहां पर एन एक्स मीन्स एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हो सकता है ई टू द पावर माइनस जीटा एक्स स्क्वायर मीन्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए एच एक्स वाई जेड जो है ये हर्माइट पॉलिनोमियल है, ठीक है, एच जीटा लिखते हैं इसको, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो इसकी वैल्यू अगर एन इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में 1 होता है, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो ये सिंपली 2x होता है, अगर 1 डायमेंशनल है, अगर 2 डायमेंशनल अगर y के टर्म में ले रहे हैं तो आपका 2y मिलेगा, ठीक है, z के टर्म में 2z मिलेगा। तो सिंपली यहां पर अगर आप x y z को कंसीडर कर रहे हो तो x अगर 1 लोगे तो y और z उस समय 0 होगा, तो इन दोनों का 1 वैल्यू मिलेगा, h y और एच जेड का वैल्यू 1 होगा, जबकि एच एक्स का वैल्यू जो मिलेगा वो 2x मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी एक होता है n वैल्यू,
एन इंटू टू एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो जीटा होता है, इस जीटा का वैल्यू जो है ये अंडर रूट एम के बाई एच कट होता है, ठीक है। तो अगर जीटा स्क्वायर आप करोगे तो एम के अपॉन में एच कट स्क्वायर होगा, जबकि आपको यहाँ जो अल्फा दिया गया है ये एच कट स्क्वायर बाई एम के है। तो अगर अल्फा स्क्वायर आप करोगे तो ये क्या मिलेगा, एच कट स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन में एम के की पावर 1/2। तो ये होगा एच कट, सिंपली एच कट बाई अंडर रूट एम के, राइट। तो ये देखिए आप अगर एम के बाई यहां पर ये सिंपली, तो ये आपका अंडर रूट एम के बाई एच कट है, ठीक है, ये होल रूट है। तो आप यहां से देखो कि ये जब आप वैल्यू रखोगे अल्फा स्क्वायर आपका मिला एच कट अपॉन में अंडर रूट एम के, ठीक है। अब ये वैल्यू आपका जीटा स्क्वायर के टर्म में है, ठीक है, एम के बाई एच कट स्क्वायर। तो अगर आप इसका रूट लोगे तो अंडर रूट एम के बाई एच कट मिलेगा आपको। तो ये जस्ट इनवर्स है, ठीक है। तो आप जीटा की जगह यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1/ अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिंपली यहां पर हमने लिख दिया ये, तो जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिलेगा, साई इज इक्वल टू एन टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा वेव फंक्शन का। तो आप देखो कि सेकेंड ऑप्शन इसका जो है मैच करेगा, क्लियर है। यहां पर सिंपल आपको जीटा को अल्फा में बस कन्वर्ट करना था। जीटा इज इक्वल टू है अंडर रूट एम के बाई एच कट, जबकि आपका अल्फा स्क्वायर है यहां पर, अगर आप निकालोगे तो एच कट अपॉन अंडर रूट एम के आएगा, ठीक है। तो यहां से आप सिंपली कन्वर्ट करोगे तो 1/ अल्फा स्क्वायर के टर्म में हो जाएगा, देन आप वैल्यू रख दो और आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स इज इन ए स्टेट गिवन बाय साई, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजर्ड एनर्जी इज 4h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, और मतलब आप इसको कंफ्यूज हो सकते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। देखिए ये वेव फंक्शन आपको दिखने में क्या लग रहा है कि ये दो वेव फंक्शन है यहां पर, एक अंडर रूट 2/L साइन देखिए पाई एक्स बाई एल प्लस अंडर रूट 2/L इंटू 2 साइन 2π एक्स बाई एल, ठीक है। जो हम इन जनरल जानते हैं कि हमारा जो वेव फंक्शन का फार्मूला होता है अंडर रूट 2/L वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए साइन nπ एक्स बाई एल होता है ना, nπ एक्स बाई एल होता है। तो यहां n की वैल्यू ही हम 1 रखे हैं, फिर 2 रखे हैं, ऐसे ही डॉट 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 रखते जाएंगे। तो यहां पर दो वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिया है, ठीक है, और पूछ रहा है क्या कि द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजर्ड एनर्जी इतना, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इस अगर ये वेव फंक्शन होता तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, पता है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये होता तो ये निकाल लेते, लेकिन यहां पर देखिए ये इसका मतलब है कि ये सेकेंड वाले वेव फंक्शन के लिए दिया एनर्जी 4h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू यहां पर 2 रखा है, ठीक। तो आप देखो कि अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो सबसे पहले हम उस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा इन जनरल अगर कोई हमारे पास वेव फंक्शन है साई इज इक्वल टू C1 ∅1 प्लस C2 ∅2 है, ठीक है, तो अगर इसका हम पूछें कि इसके फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ओनली ∅2 तो क्या होगा, तो इसके कोफिशियंट का स्क्वायर जो C2 स्क्वायर होता है वही उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, राइट, ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी होती है ना। तो अब देखो कि यहां पर इसको पहले वेव फंक्शन को आपको नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है क्या, देखिए यहां पर ये जो अंडर रूट 2/L है ये तो कांस्टेंट है, इसका जो कोफिशियंट है यहां पर 1 है और यहां पे कोफिशियंट आप देखो 2 है, ठीक है, क्योंकि इन जनरल जो वेव फंक्शन है उसका तो फॉर्मूला होता ही है अंडर रूट 2/L साइन nπx, ठीक है। तो यहां कोफिशियंट 1 है, यहां 2 है, तो अगर नॉर्मलाइज करना है वेव फंक्शन तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए,
मीन्स यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अगर मैं एन ले रहा हूँ सपोज, हाँ तो एन स्क्वायर होगा दोनों में, तो एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एन स्क्वायर बराबर क्या मिला, 1/5 मिला, मतलब एन की जो वैल्यू मिली वो 1/√5 हुआ, क्लियर है। अब ये जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो वेव फंक्शन मिलेगा वो अब नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर 1/√5 हो जाएगा जबकि यहां पर 2/√5 होगा, क्लियर है। अब देखिए कि ये पूछा है कि इसका प्रोबेबिलिटी दैट द मेजर्ड एनर्जी इज 4h²/8mL², तो ये कब होगा कि इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब इस वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी मतलब इसके कोफिशियंट का स्क्वायर सिंपली, ठीक। तो 2/√5 का होल स्क्वायर पूछ रहा है ये, तो ये आएगा 4/5, तो ये कितना हुआ, ठीक है, तो 0.8 आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए यहां पर 4h²/8mL² है दिया हुआ है, ऑलरेडी दे दिया गया है कि हमको सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इसके एनर्जी जो है इतनी होनी चाहिए, और इतनी एनर्जी किसकी होगी इस वेव फंक्शन में, इसकी होगी, ठीक है। अगर यहीं पे केवल h²/8mL² लिखता तो आप इसका निकालते, क्लियर है, ओके। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ HS रेलिकल चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द एनर्जी ऑफ द रिलेवेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर 1s(h) एंड 3s(s) और 3p(s) ये दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पे पहले देखिए आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा HS रेडिकल का, ठीक है। तो सबसे पहले आप सल्फर को जानते हो कि इसका एटॉमिक नंबर है 16, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s2, 2p6, 3s2 और 3p4, ठीक है, यही होगा। अब देखिए हाइड्रोजन का क्या है, सिंपल 1s1 है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ 3s का एनर्जी दिया हुआ है -20.7 eV, और 3ps का जो है एनर्जी दिया है ये -11.7, और 1s का दिया है इतना। तो आपको एक चीज तो यहाँ से क्लियर होगा कि ये जो 13.6 है और 11.7 है ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो मैं यहाँ पर ऑर्बिटल आपको बना रहा हूँ 3s के एवब। तो देखिए पहले जो सल्फर है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका 3s ऑर्बिटल है, तो ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसका सपोज 1, 2। इसके बाद यहाँ पर इसका 3p होगा, 3p में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 3, 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका 1s है, ठीक है, तो यहाँ पर 1s है हाइड्रोजन का। अब ये कंबाइन करेगा पहले इसके p ऑर्बिटल के z ऑर्बिटल से, ठीक है, तो ये होगा आपका एक ऑर्बिटल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, देन यहाँ पर px और py ऑर्बिटल बचेंगे जो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग की तरह काम करेंगे, और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर p ऑर्बिटल ये 3ps है, ठीक है, जिसका s कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये वाला कंबाइंड किया है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ सिग्मा जो बॉन्ड फॉर्म होगा विल हैव मोर 3ps कैरेक्टर, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन 1s हाइड्रोजन एंड 3ps, करेक्ट है, क्योंकि दोनों की एनर्जी यहाँ पर देखो आप सिमिलर है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, और देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन, नहीं ये नहीं हो सकता है क्योंकि 3s जो एनर्जी है इसकी ये ऑलरेडी बहुत नीचे है, हाँ तो इसमें नहीं बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा ये। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी रिसाइड इन द नॉन बॉन्डिंग p ऑर्बिटल, ये बिल्कुल करेक्ट है इसका कि जो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहेगा। तो ये आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका जो है क्लियर होना ये बहुत जरूरी था, ठीक है। तो ये अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप कर ले जाओगे। देखिए बहुत ही ईजी था, यहाँ पर 3s इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो ये लोअर एनर्जी का होगा,
और इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो अपने से कंपेरेबल एनर्जी के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल है तो पी वाले में 3ps और 1s हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपस में कंबाइंड कर लिए और यहाँ पर ये नॉन बॉन्डिंग। तो इस तरह से आपका जो पहला ऑप्शन है बी और डी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि द डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ए स्पीसीज इन द सॉल्वेंट विद द विस्कोसिटी इज क्लोज टू। देखिए यहाँ पर जो डिफ्यूजन कंट्रोल रेट कांस्टेंट होता है उसका जो वैल्यू होता है ये है के बी, मतलब 8/3 के बी टी अपॉन में विस्कोसिटी इनटू मोल नंबर मीन्स अवगाड्रो नंबर। तो ये आपको यहाँ पर देखिए के बी पता है, टेम्परेचर दे दिया गया है, ईटा दे दिया गया है, एन ए पता है, आप वैल्यू रखो, सिंपली सॉल्व करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर 8/3 के बी की वैल्यू आपको क्या रखोगे, 1.38 इंटू 10^23 माइनस में होगा तो ये जूल कैलविन इनवर्स ये होता है आपका, ठीक है, और इंटू टेम्परेचर है तो 298 कैलविन हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली आप ईटा, ईटा कितना है 1 × 10^-3 के जी सेकेंड इनवर्स ये होगा, और यहाँ पर मोल नंबर है तो ये एक मोल का कितना होता है 6.023 × 10^23 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये आएगा मोल नंबर आएगा। और यहाँ पर देखिए आप जो के का यूनिट है ये जूल कैलिन इनवर्स, मोल माइनस वन भी होता है, ठीक है, तो आप वैल्यू रखो यहाँ पर, सिंपली इसको सॉल्व कर दो। हाँ यहाँ पर देखिए जो जूल है आपका जहाँ मिस्टेक कर सकते हैं वो यूनिट में कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट इसने यहाँ पूछा हुआ है डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मोल, ठीक, तो आपका सिर्फ यहीं पे मिस्टेक होने का चांस है। जूल, तो जूल क्या है, एनर्जी है, तो W इक्वल टू ये एफ एक्स है, एक तरह से F की वैल्यू क्या होता है एम ए होता है, एक्स होता है, एम क्या हो गया केजी हो गया, ए क्या हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्या हो गया मीटर हो गया, तो आप यहाँ पे रख दो केजी हाँ मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू, ये वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो नीचे जो है क्या है केजी है और सेकेंड इनवर्स है, तो केजी केजी से कैंसिल होगा, एक सेकेंड से कैंसिल होगा, तो ऊपर आपका ऑलरेडी जो है यहाँ पर देखिए ये है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ तो ये यहाँ पे देखिए आप जो है विस्कोसिटी में एक मीटर इनवर्स आपका यूनिट में छूट गया था, तो ये मीटर इनवर्स होगा तो ऊपर जाएगा तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, तो मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स और आपका यहाँ से मोल इनवर्स, तो ये आपको सिंपल यूनिट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप पूरी वैल्यू सॉल्व कर लो, ठीक है, माइनस 23, 23 से कैंसिल हो जाएगा पावर, 10^-3 है ये ऊपर ले जाइए प्लस हो जाएगा, तो सिंपली आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है, तो ये आपको सिर्फ एक कन्वर्जन और करना होगा कि 1 m³ बराबर होगा 10^3 डेसीमीटर क्यूब, तो ये आपको बस करना होगा और आप इसकी वैल्यू रख दीजिए और सिंपली सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये जो है 10^3 ऊपर आएगा, ये ऑलरेडी 10^3 जा रहा है ऊपर, तो टोटल 10^6 होगा। अगर आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये 6.6 × 10^9 आएगा, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स, तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा था कि द नंबर ऑफ ओओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इन द रामन स्पेक्ट्रम व्हेन द डी ऑक्सीहीमर्थ्रीन इज एक्सपोज टू एक्सेस ऑक्सीजन कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ 16-18 and 16-18 O। तो देखिए हीमर्थ्रीन यहाँ पर आयरन के दो एटम होते हैं, यहाँ पे देखिए हीमर्थ्रीन का जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 हिस्टाडीन रेसिड्यू होते हैं और एक जो है आपका एस्पार्टिक एसिड होता है और एक आपका जो है ग्लूटामिक एसिड होता है, तो ये आपके दो जो है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ आयरन, तो यहाँ पर दो ग्रुप होता है और ये इस तरह से आपस में कनेक्ट होते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर ये डिऑक्सी फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर एच भी होता है, तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा ये बाइंड करता है ऑक्सीजन के फॉर्म में और ये यहाँ पे बाइंड होता है, मतलब
हाइड्रो परऑक्साइड के फॉर्म में बाइंडिंग होती है, HOO- के फॉर्म में। ठीक, तो यहां पर देखिए आपको पहले ये पूछा गया है कि 16O, 18O और ये दोनों मिक्सचर यूज कर रहा है तो कितने नंबर आपको रमन बैंड मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है ना, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई म्यू। ठीक है, तो एक तो चीज आपको समझ में आ गई कि म्यू पे डिपेंड करता है, तो अगर म्यू चेंज होगा तो न्यू का वैल्यू भी चेंज होगा। तो देखिए यहां पर 16O, 18O, तो यहां पर दोनों के बीच में म्यू का वैल्यू डिफरेंट है, तो दो बैंड तो यहां पर मिलेंगे, सपोज न्यू वन और न्यू टू, ये 16 के करेस्पॉन्डिंग, ये आपका 18 के करेस्पॉन्डिंग। इसके बाद 16 और 18, तो यहां पर न्यू थ्री जो मिलेगा ये 16 और 18 दोनों का मिक्सचर होगा। और तीसरा जो चौथा आपको जो पीक मिलेगा एक फ्री ऑक्सीजन का, ये भी मिलेगा। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन का भी पीक एक आपको मिलेगा। एक तो ये जो तीन है ये बाइंडेड के मिलेंगे, ठीक है, बाइंडेड फॉर्म के, और एक जो है आपको फ्री ऑक्सीजन का मिलेगा। तो टोटल नंबर आप जो पीक होगा यहां पर वो 4 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ बेरियम हाइड्राइड इज Sa एंड Sb आर द 1s ऑर्बिटल ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम S0, Px, Py, Pz आर द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेकेंड सेल ऑफ बेरिलियम। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बेरिलियम हाइड्राइड का ये जानना बहुत जरूरी है। तो बेरिलियम जो है ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक, 1s2, 2s2, ठीक है, उसके बाद 2p, ये अभी खाली है तो ये है, और हाइड्रोजन जो है वो 1s1 है। तो आप देखो कि ये जो है ऑर्बिटल फिल होता है और ये 2s2 ऑर्बिटल इससे 2p से लोअर एनर्जी में होगा। तो अगर आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर 1s होगा बेरिलियम का, 1s2, और यहाँ पर 2s है, ठीक है, बेरिलियम का, उसके बाद ये 2p है। तो देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन है जिनकी एनर्जी इससे कम होगी, और ये वन हाइड्रोजन, सपोज 1H1 लिख रहा हूँ मैं, इसको H1 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर एक और है H2। तो देखिए सबसे पहले जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर S जो ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल है, ठीक है, बेरिलियम का। यहाँ पर दो हाइड्रोजन हैं तो जो पहले हाइड्रोजन ये आपस में कंबाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये इसके साथ ओवरलैप कैसे करेंगे कि ये S ऑर्बिटल होगा बेरिलियम का और एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा, मतलब दोनों हाइड्रोजन आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ये बोलते हैं इसको एडिटिव ओवरलैपिंग। और दूसरा ये हो सकता है कि ये जो ऑर्बिटल है ये यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, 1s का, लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है, इसके कांटेक्ट में तो रहेंगे लेकिन ये ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है, और इसको बोलते हैं एडिटिव ओवरलैपिंग। तो ये फॉर्म करता है आपका बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और ये आपका बनाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2s पहले इसके दो हाइड्रोजन से कंबाइंड करेगा और ये पहले बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा। क्लियर है। तो यहां पर ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन आपके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर इसका एंटी बॉन्डिंग होगा और एंटी बॉन्डिंग का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, तो ये यहां पर रहेगा। इसके बाद 2p ऑर्बिटल जो बेरिलियम का है, ठीक है, तो यहां पर s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के p में आएगा और फिर ये p इन दोनों हाइड्रोजन ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा। तो कैसे ओवरलैपिंग होगी, पहले सपोज कर रहे हैं कि pz ऑर्बिटल जो है जो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहेगा। तो कैसे ओवरलैपिंग होगा, ये इस तरह से होगा कि अगर ये इसका पॉजिटिव लोब है, ये इधर नेगेटिव है, तो यहां पर और यहां पर ये दोनों इस तरह से अपने को ओवरलैप करेंगे, तो ये वन टाइम में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल से ओवरलैप हो पाएगा, दूसरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहां पर ये जो है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा। क्लियर है। तो यहां पर देखिए ये
पी जेड ऑर्बिटल है बेरिलियम का, तो ये कंबाइन करेगा साई। देखिए अगर इस पूरे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए अगर मैं वेव फंक्शन लिखूं तो क्या होगा कि 2pz मतलब बेरिलियम का कंबाइंड किया है एक हाइड्रोजन के साथ, प्लस मैं लिख रहा हूं H1, और ये देखिए ये ओवरलैपिंग किया, लेकिन ये ओवरलैपिंग नहीं है, ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है बस, तो ये माइनस H2 होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो P के साथ कंबाइन कराया है दो हाइड्रोजन। तो यही आपको यहाँ पर पूछा गया था देखिए क्वेश्चन में, हाँ, कि SA एंड SB आर द 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो अभी जस्ट यहाँ पर देखो आप, अब कितने हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन थे, तो अभी ये फिल हो गया है। तो ये जो ऑर्बिटल है यही है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो। तो इसका ही पूछ रहा है कि ये वेव फंक्शन क्या होगा, तो सिंपल इसका वेव फंक्शन यही होगा कि 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा H1 के साथ और वहां पर H2 ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्डिंग। अगर मैं इसकी एंटी बॉन्डिंग की बात करूं तो क्या हो जाएगा यहां पर कि दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, ना तो ये करेगा ना ही ये करेगा, क्लियर है। तो यहां पे अगर माइनस है, यहां भी माइनस सपोज कर लो आप, यहां प्लस है, यहां प्लस है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो अगर इसका ऑर्बिटल का आप लिखोगे एंटी बॉन्डिंग के लिए, तो ये सिंपल 2pz अवेलेबल तो है, लेकिन ये दोनों आपस में भी ओवरलैप नहीं करेंगे, H वाले और यहाँ पे भी नहीं करेंगे, तो H1 माइनस H2 होगा, ये क्लियर है, ये होगा। तो यहाँ पर आप इसको सिंपली देख सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं। हाँ, तो ये है आपका आंसर यहाँ पर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा देखिए ये यहाँ पर थर्ड वाला होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करने दे रहा है, यहाँ पर माइनस H2 और PZ ओवरलैप है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट है। ये थोड़ा सा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्लियर होगा तभी आप कर सकते हो, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर S वाला में देख लिए थे कि S वाले में कैसे ओवरलैपिंग होता है, तो ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, और P के साथ ये ओवरलैप करता है, तो ये नॉर्मल देखो ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग का है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में निकालोगे तो आप इस तरह से मिलेगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में अपने कराया था कि pH इलेक्ट्रोड आर कैलिब्रेटेड विद द स्लोप ऑफ द सेल पोटेंशियल टू द pH। तो देखिए वहां पर मैंने एक जो है स्लाइट मिस्टेक किया था, उसको मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ अभी। तो जैसे यहाँ पर अगर आप मान लीजिए अगर हाइड्रोजन आपके पास है, एक इलेक्ट्रॉन आप ले रहे हो, तो ये जो है H2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप सेल पोटेंशियल लिख रहे हो E सेल, तो ये देखिए यहाँ पर E0 सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग ऑफ H प्लस होता है ना, तो वहां पे मैंने क्या किया कि E सेल का वैल्यू मैंने X लिया था, जबकि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आप ले रहे हो तो ये वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको सिंपली 0 रख देना है, और E जो सेल है ये आपको मिलेगा माइनस 2.303 RT/F की वैल्यू होती है 0.059, और माइनस लॉग H प्लस होता है आपका pH। तो सिंपली आप देखो तो Y इज इक्वल टू आपको मिल रहा है MX, मतलब ये आपका जो स्लोप है ये pH के साथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि चेंज व्हेन द pH इज डबल, तो जब आप pH को 2 times कर दोगे तो आपका सेल पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपको स्लाइटली इस तरीके से करना था, सो ये आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।